தீபாவளி பண்டிகை கடந்தும் டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமான நிலையில் இருந்து மாறாமல் நீடிக்கிறது தீபாவளி என்று தலைநகர் முழுவதையும் பட்டாசு புகை சூழ்ந்ததால் பல்வேறு பகுதிகளில் காற்றின் குறியீடு மிக மோசமாக மாறியது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் குறியீடு நானூறு புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்ததால் மூத்த குடிமக்களுக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது பஞ்சாப் ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வேளாண் கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதாலும் டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகரித்து வருகிறது दीपावली मुझे पलना कौ मकानी मूच तिणल हम हम यूपी से आजमगढ़ से आए हैं अभी आए हैं यहाँ का दिल्ली का प्रदूषण देख के सांस लेने में तो ऐसी लग रहा है कि भाई हम लोग कितना धुआं लिया जा रहा है हवा से ज्यादा तो यहाँ पे लग रहा है कि धुआं ही अंदर जा रहा है अब यहाँ की सरकार को देखना चाहिए कि ये क्या क्यों हो रहा है क्या हो रहा है तो नतीजा निकालें कुछ तो बताएं तब तो बात चलेगी हम हम दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहेगा तो, तबियत हर इंसान की ख़राब होना वाजिब है अब ये कैसे चलेगा बताइए वैसे तो मैं एक एथलीट भी हूँ पर आ, मैं जैसे थोड़ी आदत है मेरे को कि मैं थोड़ा खेल खेल सकता हूँ पर फिर भी इस पॉल्यूशन में सांस लेने में बहुत दिक्कत है जैसे अगर मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ मैं ओपन एयर में ट्रेनिंग करता हूँ मैं जॉगिंग वगैरह भी करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस हवा में सांस लेने में केवल ऐसे ही रहने के लिए नहीं केवल एक्सरसाइज करने के लिए नहीं नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी एक नॉर्मल लाइफ रहने के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है அதிகாலை முதலே டெல்லியை பனிமூட்டத்துடன் கூடிய புகைமூட்டம் வியாபித்து இருந்ததால் பார்வை திறன் குறைந்து வாகனங்களை இயக்க ஓட்டுநர்கள் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர் காற்று மாசுக்கு எதிரான டெல்லி அரசு நடவடிக்கை தொடர்ந்தாலும் காற்றின் தரத்தில் முன்னேற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்